नमस्कार दोस्तों, राघव सर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने भारत की भूगोल में मध्यवर्ती उच्च भूमि को देख रहे थे। मध्यवर्ती उच्च भूमि में हमने देखा था अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार। आज हम देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, देखिए छोटा नागपुर का पठार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लोकेशन को, इसके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो हमारे लिए भारत का भूगोल समझने बहुत आसानी होती है। ठीक है, देखिएगा वास्तव में जो छोटा नागपुर का पठार है, ये देखिए अगर हम देखें तो लगभग ये भारत के नॉर्थ ईस्ट तरफ, हालांकि नॉर्थ ईस्ट इधर हो जाता है, लेकिन देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा कुछ भाग, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार की जहां तक बात है तो इसकी उत्तरी सीमा जो है राजमहल की पहाड़ियां, समझेगा, राजमहल की पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा को बनाती हैं। अगर हम देखें इसके पूर्व में, अगर हम देखें तो इधर जो है दामोदर नदी इधर अपवाहित हो रही है, इधर इनकी रूपरेखा दिखाई देगी। अगर हम देखें इसकी दक्षिणी सीमा की बात करें तो इसकी दक्षिणी सीमा जो है जो निर्धारित करती है वो है महानदी। हम जानते हैं महानदी उड़ीसा में अपवाहित होती है, लेकिन ये चूंकि निकलती है अमरकंटक के समीप से तो इसलिए इधर ये होते हुए जाती है और यही जो है छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर के पठार में ही लगभग माना जाएगा कि ये तीन पठार और स्थित हैं, उसी में लगभग उसके भाग हैं कह सकते हैं। उत्तर की ओर देखें तो हजारीबाग का पठार, नीचे दक्षिण की ओर देखें तो रांची का पठार, और एक पठार इधर और है कोडरमा का पठार, समझिएगा कोडरमा का पठार, तीन पठार इसके अंदर समाहित है। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें तो इसके मध्य से एक नदी प्रवाहित होती है और वो नदी पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर पूरब की ओर लगभग ये जाती है। इस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में हम नदी सेक्शन में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा बता दें, यही दामोदर नदी है जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है। एक नदी इधर प्रवाहित होती है वो उत्तर की ओर जाती है, इसका नाम है सोन नदी, समझिएगा सोन नदी। सोन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गंगा को जाके मिलती है। ठीक है, फिर देखते हैं, आते हैं तो रांची का पठार जो है यहीं से निकलती है एक और नदी जिनका नाम है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी ये वही नदी है जिस पर एक जलप्रपात स्थित है, हुंदरू जलप्रपात, और हम जानते हैं स्वर्ण नदी किनारे ही एक शहर भी स्थित है जिसका नाम है जमशेदपुर। इसे भारत की इस्पात नगरी कहा जाता है, जमशेदपुर को भारत की इस्पात नगरी कहा जाता है। हम जानते हैं ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। और दूसरी बात, जो महानदी है इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। इस नदी पर हम जानते हैं कि सबसे लंबा बांध हीराकुंड स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन वो कहां है, उड़ीसा में। ठीक है, अब देखिए तो छोटा नागपुर का पठार जो है वास्तव में इसका निर्माण अगर हम देखें तो इसका निर्माण जो है एक जो गोंडवाना कण की चट्टाने थी उनसे हुआ है।
ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। और छोटा नागपुर के पठार में बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इस कारण से छोटा नागपुर के पठार को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, क्योंकि खनिज पदार्थों की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही धनी है ये पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि यहाँ पे कोयला भी खूब निकलता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं और हम जानते हैं कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टाने होती हैं उसमें कोयला का उत्पादन, कोयला भंडार मिलता है, भंडार है तो उत्पादन भी हो रहा है। तो छोटा नागपुर के पठार की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे हमने देखा ये फैला हुआ है इस तरह से। अगर देखें कितने स्टेट में फैला हुआ है लगभग देखा जाए तो कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, कुछ भाग उड़ीसा में भी है और बंगाल में भी है, पश्चिम बंगाल वहां भी है। बंगाल में जो जगह है उसका नाम है पुरुलिया, ये इसकी सीमा है। ठीक है, बंगाल में यहां पे पुरुलिया, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार में अगर हम देखें तो यहां पे हजारीबाग के समीप अगर देखें तो यहां पर इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ, ये स्थित पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ के अलावा अगर हम देखें तो इधर साइड इस तरफ अगड़ की पहाड़ियां स्थित, इधर रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं। देखिए अब हम बात करेंगे मेघालय के पठार की। मेघालय का पठार भी मध्यवर्ती उच्च भूमि का भाग है और इसकी स्थिति लगभग भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, देखिएगा ये जो मेघालय है, असम है, यहां पर ये स्थित है, कुछ भाग इसका असम में भी है, हालांकि ज्यादातर विस्तार इसका जो है सिर्फ मेघालय में। ठीक है, मेघालय में देखिए, और ये मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस की बनी हुई है कैम्ब्रियन की स्टार्टिंग एरा में, जो कैम्ब्रियन का काल चलता है उसके शुरुआत में इसका निर्माण हुआ है। अगर हम देखें तो यह इधर हम जानते हैं कि जो प्रायद्वीपी भारतीय क्षेत्र है या भारतीय प्रायद्वीपी क्षेत्र है, ये देखिए उससे यह अलग हुआ है। ठीक है, उससे यह अलग हुआ है, यहां पर अलग करने के लिए गैप है, दर्रा है, उसे कहते हैं मालदा गैप। ठीक है, तो एग्जाम प्रश्न आता है कि मेघालय का पठार भारतीय प्रायद्वीप से किस गैप से अलग है, तो आपको याद रखना पड़ेगा वह गैप है मालदा गैप। ठीक है, मालदा गैप यहां पे इसको अलग कर रहा है। अब देखिए इसको अगर हम देख रहे हैं, देखें तो मेघालय में इस पर जो पहाड़ियां हैं अगर देखें तो गारो है, खासी है, जयंतिया है, और असम की अगर बात करें थोड़ा सा असम में तो बरैल है। ठीक है, बरैल, ये देखिए ये गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया है, और इधर जो है ये बरैल, ये प्रमुख पहाड़ियां हैं यहां पर। और हम जानते हैं कि यहां की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नौकरेक। ठीक है, यहां की सबसे ऊंची चोटी है नौकरेक, हालांकि इसे शिलांग शिखर भी कहते हैं,
नॉकरेक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए हम जानते हैं कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम, वो यही स्थित है, ठीक है, इसी मेघालय के पठार में। तो ये थे आपके मध्यवर्ती उच्च भूमि के भाग। आप अगर इसके पांचों सेक्शन को देख लेंगे तो काफी चीजें मध्यवर्ती भारत में समझ में आ जाएंगी। इससे आपको कई चीज समझ में आती हैं। देखिए यहाँ पे ढाल वगैरह जो होता है वो ढाल ये पठार वगैरह प्रदान करते हैं। इसको समझने के बाद आपको नदियों का जो प्रवाह होता है वो समझने में आसानी होती है। इसके अलावा जो जल विभाजक रेखाएं होती हैं वो यही निर्माण करती हैं पहाड़ियां वगैरह। इसको अगर समझ लेते हैं तो काफी चीजें आसान होती है।